वीडियो स्किप करने का सोच रहे दोस्तों, उससे पहले ये देख लीजिए कि ये वाला स्टैंड कभी भी अपनी 32 इंची की एलईडी से ऊपर मत लगाना, कभी भी मत लगाना दोस्तों, क्योंकि इसमें आप नुकसान पा सकते हैं, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा आपको नुकसान हो सकता है, आपकी एलईडी गिर सकती है, फूट सकती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। तो दोस्तों आज बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आप जब एलईडी टीवी लेके आते हैं दोस्तों, 32 इंची के ऊपर की एलईडी टीवी के खास करके मैं बात करूँगा, तो जब इतना महंगा एलईडी टीवी लेके आते हैं तो दोस्तों 50 या 100 रुपये के लिए कभी भी लोकल वाला स्टैंड उसमें मत लगाना, वरना आपको नुकसान हो सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो सभी मेरे पास तीन इस टाइम स्टैंड है जो मार्केट में चल रहे हैं, तीनों स्टैंड मेरे पास अवेलेबल है, तो तीनों का रिव्यू करेंगे, तीनों की खासियत भी मैं आपको बताऊंगा, तीनों का रेट भी बताऊंगा। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो में बने रहिए दोस्तों, और चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर लेना। ठीक है फ्रेंड्स, तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं कुछ लोग, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों आपको ही नॉलेजेबल वीडियो आगे मेरे चैनल पर मिलते रहेंगे, जिससे कि आपकी हेल्प हो सकेगी। दोस्तों इस तरीके का एक स्टैंड होता है, ठीक है, जो मैंने बोला नहीं लगाना चाहिए 32 इंची से ऊपर की एलईडी पर। क्यों दोस्तों? इस तरीके के दो ये एंगल टाइप होते हैं, इसको चैनल में इस तरीके से लटका दिया जाता है, एलईडी इसमें लटक जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, और इस तरीके के दो और एंगल होते हैं जो नीचे की तरफ लगा देते हैं, नीचे वाले पॉइंटों में, बिना एक्स्ट्रा सेफ्टी के साथ में। इसमें कोई सेफ्टी नहीं है, ना कोई लॉक किया जाता है इसको। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप रिमोट से यूज कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन अगर रिमोट ख़राब हो जाता है और कोई बच्चा वगैरह जो एलईडी में जो बटन होते हैं उनसे ऑपरेट करना चाहे, तो वहाँ पर दोस्तों धोखा हो सकता है, क्योंकि एलईडी में अगर बटन होते हैं दोस्तों, बटन दबाते हो जरा सी एलईडी हिली और एलईडी नीचे आ जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके का स्टैंड मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ कि आप इसको लगाएं, आप इसको यूज करें अपनी एलईडी में। ठीक है फ्रेंड्स, दूसरा वाला स्टैंड होता है, ये स्ट्रेट स्टैंड होता है, यानी कि एक फिक्स स्टैंड होता है, जिसमें कि आपको सामने बैठ के टीवी को देखना होता है। ठीक है, आप साइड में मूव नहीं कर सकते, तो मूविंग वाले स्टैंड का भी बताऊंगा, साथ में सभी का रेट भी एक बार में बताऊंगा आपको, मार्केट में कहां से आप इसको ले सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके का स्टैंड होता है दोस्तों, ये दीवार में फिक्स हो गया, फिर ये हमने जो चैनर है ये हमने दोस्तों, इसमें एक्स्ट्रा सेफ्टी होती है कि दोनों पॉइंट लगते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ऊपर भी पेच खींचते हैं, इसमें चार पेच लगते हैं एलईडी के पीछे से। ठीक है, इस तरीके से अब हमने एलईडी लटका दिया। अब दोस्तों इसमें एक्स्ट्रा सेफ्टी क्या है कि इसमें एक लॉक बोल्ट है, इसमें दो लॉक बोल्ट होंगे, एक चैनर में एक लॉक बोल्ट होगा, यानी कि उसके बाद लॉक करने के बाद एलईडी को आप भी अगर पकड़ के लटक भी जाएंगे तब भी एलईडी टूट सकती है, लेकिन निकल के बाहर इस चैनर से बाहर निकल के नहीं गिरने वाली है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप इसमें लटक भी जाएंगे तब भी बाहर निकल के नहीं गिरेगी, जब तक आप लॉक बोल्ट को नहीं खोलेंगे वहाँ से, मतलब जब तक आप उसका लॉक नहीं खोलेंगे दोस्तों। ये होता है उसमें लॉक, ठीक है, इसको नीचे से टाइट किया जाता है। ठीक है, इसका जो पेच होते हैं वो इसके अंदर ही होते हैं, जो हमारे टूल आते हैं इसके साथ में, जो स्क्रू आए उनके साथ में होते हैं, और इसको यहाँ से खींच के और नीचे से स्क्रू ड्राइवर डाल के इसको लॉक कर दिया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें एक्स्ट्रा सेफ्टी दिया हुआ है, तो मेरे ख्याल से तो ये भी स्टैंड बहुत अच्छा है, लेकिन इसमें मूव नहीं कर सकते। इसके लिए दोस्तों अगर आप थोड़ा और ज़्यादा खर्च कर सकते हैं पैसा, तो आप मूविंग वाला स्टैंड ही लगवाएं, जिससे कि आप किधर भी एलईडी को मूव कर सकते हैं। आप जरूरी नहीं कि एलईडी के सामने बैठ के टीवी देखें, आप साइड से भी देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे कि होता है कई लोग होते हैं फ्रेंड्स जो बैठे होते हैं कि इधर की तरफ घुमाओ या उधर, तो वो आप इस स्टैंड में कर सकते हैं। तो इस स्टैंड का अनबॉक्सिंग कर लेते हैं और इसको भी खोल के दिखा देते हैं आपको, साथ में इन सभी के रेट बता देते हैं फिर। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी हम इसको निकालेंगे। देखिए, एक तो इसमें इतने ऑप्शन होते हैं कि 14 इंची से लेकर के ये 42 इंची तक काम करता है ये स्टैंड। ठीक है, ये स्टैंड 14 इंची से 42 इंची, इसमें ज़्यादा ऑप्शन होते हैं दोस्तों, सबसे ज़्यादा ऑप्शन होते हैं। ये स्टैंड आगे की तरफ इस तरीके से खुल जाता है। ठीक है, ये जो फोल्ड होता है तो इस तरीके से खुल जाता है फ्रेंड्स, ये दो जगह से ऐसे खुलता है। इसके बाद में आप एलईडी को किधर भी मूव कर सकते हैं, इधर से, ठीक है, इस साइड, इस साइड, 360 आप कहीं भी एलईडी को घुमा सकते हैं, जिधर से आपको देखना है उधर से घुमा सकते हैं इसको। ठीक है, आपको एलईडी को पीछे की तरफ लेके जाना है तो वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है ना, और सबसे अच्छी बात है दोस्तों, अगर आपको कोने में लगाना होता है, देखिए देखिए आप इधर की तरफ इस तरीके से भी घुमा सकते हो, और अगर आपको कोने में लगाना होता है एलईडी, जैसे कि आप देख सकते हैं जो फिक्स वाला स्टैंड है उसको आप कोने में नहीं लगा सकते, लेकिन इस स्टैंड को आप कोने में भी लगा सकते हैं। अगर कोई इस तरीके का कोना बना हुआ है, कोने में आपको एलईडी लगाना है, तो वहाँ पर भी आप लगा सकते हैं बेफिक्री से। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि जो इसका जो पीछे जो जहाँ से इसको दीवार में कनेक्ट करना है हमें, वहाँ से भी मूव हो सकता है, आगे से भी मूव हो सकता है, और जो बीच में से भी फोल्ड हो सकता है। तो कई काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन होते हैं इसमें, तो इस तरीके से आप कहीं से भी इसको लगा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जानकारी आपके समझ में आ गई दोस्तों। अब मैं इसके आपको रेट बता देता हूँ एक बार। ठीक है, जो मूविंग स्टैंड है फ्रेंड्स, ये आपको मिलेगा 450 रुपये का, मार्केट में मिल जाएगा, ऑफलाइन मार्केट में आसानी के साथ में मिल जाएगा, और ऑनलाइन खरीदना चाहेंगे तो लगभग 500 रुपये के आसपास आपको फ्लिपकार्ट वगैरह पर मिल जाएगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप बाय कर सकते हैं। और ये
ये फ्रेंड्स ये जो स्टैंड है ये 100 रुपये का मिलता है, और जो हमारा चैनल वाला स्टैंड है फिक्स वाला वो आपको 200 रुपये, लगभग 200 रुपये या 180 रुपये का मार्केट में मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, जानकारी आपके समझ में आ गई होगी। फिर से एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ दोस्तों कि चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो फिलहाल इस वीडियो में इतने, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।